Hello everyone, welcome to Abhimanyu IS. Hope you are fine and doing well. And today there is a very important announcement to make regarding the Himachal Pradesh Administrative Services Commission. Finally, their notification has been out today itself on the 4th of April 2024. And jo bhi aspirants kar rahe the, they would have been eagerly waiting for the examinations HS ke liye. So, it is a good news for them, and finally their wait is over. And most importantly, now is the time to basically pull up their socks and put a stimulus to their preparation. ठीक है, उसे it's time to gear up. और आप अपनी preparation को, जो भी आप मेहनत कर रहे हो साल से, छः महीने से, साल से, दो साल से, या पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हो, finally it's time to gear up और उसे अपनी मुकम्मल पे, अपने मुकम्मल लक्ष्य तक पहुंचाए. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम अभिमन्यु आईएएस एंड फैमिली. ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो उससे रिलेटेड बात करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो एक अच्छी बात ये होगी कि पिछले 2-3 सालों से ना हिमाचल 15 सीट 16 सीट 17 सीट ऐसे कर रहे थे, तो इस बार इन्होंने 10 सीट बढ़ा दी हैं, 10 सीटें बढ़ाई हैं. नाउ दिस ईयर दे वुड बी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर 26 सीट्स, 26 सीटों के लिए करेंगे. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादा इस पर पूरी डिटेल्स डिस्कशन करनी नहीं है, सच जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको मालूम होता है. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बातें, पहली बात, 2 मई को आपका फाइनल लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ पेपर, तो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस, इसे ध्यान रखना है. इफ़ यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन दिस डेट एंड यू शुड बिकम कैलस इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, योर लेबर, your dedication, basically the blood and toil you have spent on this preparation from past 1 year or a couple of years, that would go futile. ठीक है, वो खराब हो जाएगा, तो please ध्यान रखना है. दूसरी important बात regarding this notification is कि कितने सीटें हैं. ठीक है, क्लास वन गैजेटेड पे बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके लिए पर्सनल टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें हैं जिसमें से जनरल कैटेगरी अनरिजर्व 3 है, एससी एसटी ऑफ एचपी 2 है, इंक्लूडिंग 1 बैकलॉग, एक बैकलॉग का पोस्ट है और एक अभी, तो 2 होंगे, एक ओबीसी होगा, फिर बाकी की डिजेबिलिटी के ऊपर है, एससी ऑफ हिमाचल, शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन जो है हिमाचल के एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी उसके लिए एक है. ठीक है, तो अनरिजर्व 8 है जिसमें से 3 अनरिजर्व है, टोटल 8 है. फिर उसके बाद फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इसके लिए 2 पोस्टें हैं, देन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके लिए 3 पोस्टें हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए 9 पोस्टें हैं. इसके अंदर कितनी कितनी कैटेगरी है, क्या है, नहीं है, वो आप वहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं. पंचायती राज, उसके लिए 1 अनरिजर्व है, फिर 3, मतलब टोटल अगर इफ यू गो इन द एग्रीगेट यू वुड फाइंड दैट द एग्रीगेट पोस्ट इन दिस फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन वी आर गोइंग टू बेसिकली द कमीशन इज गोइंग टू अडॉप्ट 26%, 26 सीटें. ठीक है, वो डेट हो गया, वो डिटेल. अब उसके अगर आप देखोगे डिजायरस एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल ऑफ द कमीशन एप्लीकेशन रिसीव. अब जनरली आप जानते हैं कि जो पहले एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो उनका OTR बेसिकली वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल उनके पास होगा. उनको बस अपने बेसिकली होम पेज पे जाना है और पेज पे जाने के लिए जाने के बाद उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या OTP के थ्रू लॉगिन कर लेना है और वहीं पे जब फॉर्म में क्लिक करके सारा डिटेल्स आपके पास है, बस आपने क्लिक करना है और आपका फॉर्म बार बार सारे डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है. जो एग्जिस्टिंग है, जो नए होंगे उनको पहले नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करेंगे, उसके बाद OTR उनका क्रिएट होगा, उसके बाद वो डिटेल फॉर्म वगैरह भर पाएंगे. ठीक है, तो ये आजकल हर जगह हो रहा है, ये UPSC के एग्जाम में भी इस साल से लास्ट ईयर से स्टार्ट हो गया है OTR, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप कमीशन के अंदर अगर एक बार आप रजिस्टर हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ अपलोड हो गए, सारे डिटेल्स आपके वहाँ पे आ गए, तो आपको बार बार हर एक एग्जामिनेशन में सब कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इट डिटेल्स वुड बी फेच अप वुड बी फेच्ड क्योंकि इनका एक वॉल्ट बन जाता है और वहाँ से वो फेच कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन व्हाट आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम दिस वीडियो. होप यू हैव बीन वेरी मच इनटू योर प्रिपरेशन और आपको वो नोटिफिकेशन आ गई है. तो अब पेपर एग्जामिनेशन कब होगा, ऐसे एक तो टेंटेटिव डेट उनका जुलाई रहता है, बट विल सी टू इट. तो आप उसे ही मान के चल रहे,
समवेयर अराउंड दैट टाइम, और आपको अपनी प्रिपरेशन को अब और भी गियर अप करना है, स्टिमुलस करना है, स्पीड अप करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर टेस्ट सीरीज. बिना टेस्ट सीरीज के आपकी तैयारी अधूरी है. टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ योर कंटेंट, फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी, फॉर रिविजन, फॉर स्ट्रेस सिमुलेशन. तो टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. किसी के भी टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन एक टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए. हमारी टेस्ट सीरीज अगर आपको अवेल करनी है HS प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो हम आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, यू कैन अवेल फ्रॉम दैट. और आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अभी मन यूएस का वहाँ पे मिल जाएगा. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रीली. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.